यूक्रेन, रशिया, चीन और अमेरिका के बीच, आप पिछले चुनाव के बाद आप कई अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में आपने बात की है, आपने एड्रेस किया है यूनाइटेड किंगडम में, यूएस में, आप क्या देख रहे हैं? क्या भारत को दुनिया कैसे देख रही है और क्या खतरा है, क्या थ्रेट्स हैं और हम क्या बैलेंस कर पाएंगे? लोग कहते हैं यूक्रेन के बाद हमने बैलेंस करके हम बीच के रास्ते से राष्ट्रहित पे हमने काम की, मगर क्या राष्ट्रहित को ही सर्वोपरि मानकर हर विषय पर काम किया जा सकता है, या फिर थोड़ी बहुत बैलेंसिंग करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत अपनी इकोनॉमी को चीन को खोलना पड़ता है, थोड़ी बहुत हमारे जो क्या कहते हैं कि इलॉन मस्क को आने देना पड़ता है, कोई दूसरी चीज होती है, क्या प्रभाव नहीं होता, प्रेशर नहीं बनता देश पर? देखिए नरेंद्र मोदी दोनों तरफ से, चीन से, रूस से, अमेरिका से, पूरे देश, हम एक ही देश हैं। जो रूस और यूक्रेन के बीच में जब द्वंद्व हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा कि लोगों ने बार बार भारत से पूछा कि तुम रूस की तरफ हो या यूक्रेन की तरफ हो, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत ने पक्षपात नहीं किया, हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे हैं, दैट वी हैव ऑलवेज बीन ऑन द साइड ऑफ पीस। भारत से कोई उम्मीद नहीं लगाता था। देखिए पोस्ट कॉलोनियल एरा में ना कॉलोनियल माइंडसेट के लोग, गोरे लोग ये सोचते हैं कि हमने जो कहा भारत वो करेगी, उनको ये आदत नहीं थी कि भारत खड़े होकर ये बोलेगा कि हमारे देश के लिए जो अच्छा है पहले हम वो करेंगे। तो हम पर दबाव आए, एक का साथ दो, रूस का दोगे कि यूक्रेन का दोगे, हमने कहा हम हिंदुस्तानियों का साथ देंगे। आज अगर विषय निकलता है लेट्स से इज़राइल का, हमने इज़राइल के पक्ष में, फिलिस्तीन के पक्ष में अपना निष्पक्ष एक पक्ष रखा या अपने एक पोजिशन ली। आज जब देश का विदेश मंत्री जाता है SCO समिट के लिए तो बेखौफ होके बोलता है कि मैं बायलैटरल के लिए नहीं जा रहा, और कोई भी विदेशी ताकत में इतना दम नहीं कि भारत को मजबूर कर ले कि जा ही रहे हो तो बायलैटरल भी कर लो। मगर नवाज शरीफ ने कहा ये तो शुरुआत है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। उन्होंने, नवाज शरीफ तो इतने खुश हैं कि जयशंकर पाकिस्तान गए कि इन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि अभी देखिए ये तो शुरुआत है, दिस इज द स्टार्ट, अभी तो बहुत कुछ होगा, होना चाहिए। और आपको क्या लगता है क्या होगा जब जयशंकर अपना काला चश्मा पहन के चले थे? देखिए आप अपना, जैसे अटल जी कहते थे नेबरहुड बदल नहीं सकते, लेकिन क्या अपने नेबरहुड में आप प्रखर एक राष्ट्र बनकर उभर सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल भी है लेकिन रेजोल्यूट भी है? हिंदुस्तान ने वो किया है। आज हिंदुस्तान ये कहता है कि अगर दो राष्ट्रों के बीच में द्वंद्व है, दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध है, तो हिंदुस्तान उसका पक्ष या ना पक्ष लेने की स्थिति में क्यों हो? आज जब FTA में, आज शायद पीयूष गोयल जी आपके मंच जी, पर आए थे, FTA की जब चर्चा होती है, जब कहते हैं कि एक राष्ट्र हमारे राष्ट्र के साथ कोई समझौता करेगा ट्रेड में, तो कई लोग और राहुल गांधी उसमें सम्मिलित हैं जो कहते हैं हमें ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए। राहुल जी ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि जयशंकर को विदेश नीति नहीं आती, उनको बेहतर आती है। अब ये जयशंकर की उदारता है कि उन्होंने कहा कि ठीक है भैया जो बोलना है बोलो, लेकिन अंततः जब आप FTA के भी किसी भी एक डेलिबरेशन में बैठते हैं तो मेरा अनुभव कैबिनेट का ये रहा है, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के हित में पहले उसकी बात होगी, हम हिंदुस्तान के हित को कभी स्वाहा नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई फोटो ऑप चाहिए FTA में। ऐसी परिस्थितियों में क्या भारत सतर्क है और सुरक्षित है? बिल्कुल सतर्क और सुरक्षित है। आपने देखा श्रीलंका में क्या घटना घटी, बांग्लादेश में क्या घटना घटी, अफगानिस्तान में क्या घटना घटी, चीन के साथ हमारे क्या हालात है। लेकिन बांग्लादेश में जब घटना घटी तो कई इधर आपके शुभचिंतक थे, कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता थे, दूसरे थे, जो कह रहे थे ऐसा भारत में भी हो सकता है। जब बांग्लादेश जल रही थी मुझे तो समझ में नहीं है कैसे लोग हैं स्मृति जी ये खुलकर ये आशा प्रकट कर रहे थे कि हमारे देश में ऐसा होना चाहिए, और ये चुनाव के ठीक बाद हुआ, इतनी फ्रस्ट्रेशन है। देखिए जो सोच रहे थे कि देश जलेगा, उनको ये नहीं पता कि देश में अगर कुछ जलेगा तो दीप में सिर्फ उत्सव का दीप जलेगा और कुछ नहीं जलेगा। मगर एक लोगों को लग रहा है कि जो कोर एजेंडा है बीजेपी की, कोर एजेंडा क्या, देखिए कोर एजेंडा है हमारा कोर एजेंडा में, जो कोर एजेंडा है कि नहीं है, कोर एजेंडा है मुझे बताइए, ये मैं आप ऐसे नहीं, कोर एजेंडा है हमारा, कोर एजेंडा कोर एजेंडा है, कोर एजेंडा जो बीजेपी का है क्या है आपके हिसाब से? मैं आपको कहता हूं, मगर कोर एजेंडा के मुद्दों पर ये बात चल रही है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, हमारा कोर हाथ बंधे, आप करना चाहते हैं मगर आप 240 MPs के साथ नहीं कर पाएंगे। अर्नब जी कोर एजेंडा,
कोर एजेंडा जो मेन है, मैं वही कह रही हूँ, हमारा कोर एजेंडा वही है जो आपका आज एजेंडा चल रहा है राष्ट्र सर्वोपरि। नहीं वो तो है, नहीं राष्ट्र सर्वोपरि। मैं आपको बताती हूँ, सुन ले अभी, क्योंकि 9 बजे का डिबेट नहीं हुआ। कोर एजेंडा आपने पूछा, मैं कह देता हूँ, मैं आपको बताती हूँ कोर एजेंडा और हमने क्या क्या किया। कोर एजेंडा, एक सेकेंड, कहा गया, सुन लीजिए, कोर एजेंडा में कहा गया धारा 370 इस देश में कभी नहीं हटेगी, हटी। कहा गया कि धारा 370 हटने के बाद कभी भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुए होंगे, हुए। कोर एजेंडा था मंदिर बनाएंगे, बना। कई सारी चीजें हैं जो आपने की, था वन नेशन वन इलेक्शन आया, कई सारी चीजें हैं, था कि जीएसटी कभी नहीं होगा कहते थे, करके दिखाया। कोर एजेंडा ये भी था कि तीसरी बार हम भाजपा का प्रधानमंत्री बनाएंगे, बनाया। कोर एजेंडा में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी थी, लोग कहते हैं कि 10 साल में आपको कर देना चाहिए था, और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके कोर एजेंडा में है? दूसरी बात, वक्फ बिल, आज हर व्यक्ति, कोई लैंड ओनर है, कोई किसी का घर है, फ्लैट है, सबको डर है। आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रह चुकी है, कोई भी वक्फ बोर्ड आके कह सकता है कि ये घर हमारा है, ये भी तो कोर एजेंडा था, आपने जेपीसी में भेज दिया। वन नेशन वन पोल, बहुत अच्छी बात है, हम सब चाहते हैं, हो गई बहुत राजनीति, विकास की बात हो, मगर क्या आप वन नेशन वन पोल को इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब आपके नंबर 2/3 मेजोरिटी आपके लोकसभा में नहीं है और 2/3 आपकी राज्यसभा में भी नहीं है, तो ये आप कैसे पारित कर पाएंगे? ये सब कोर एजेंडा लोग चाहते हैं। हमने कोर एजेंडा तब सेट किया जब तो हमारे 2 ही सांसद थे, लेकिन पूरा करके दिखाया ना, तो तीनों करेंगी आज तो सरकार है, तीनों करेंगी आप, बिल्कुल। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैंने कहा ना, मोदी ने कहा है तो करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा, मोदी ने कहा है करेंगे। वन नेशन वन पोल, 5 साल बाकी है ना, अभी तो सिर्फ 10 ही साल हुआ है। वक्फ बिल, बिल्कुल आप तीनों करेंगे। मैंने तो वक्फ बिल लिखा है, इसलिए कह रही हूँ, मंशा नहीं होती तो इंट्रोड्यूस नहीं होता, और इंट्रोड्यूस होने के बाद सबकी राय लेने की अगर मंशा नहीं होती तो जेपीसी में नहीं जाता, तो इसीलिए कह रहे हो, मोदी है तो होगा, कहा है तो करेंगे। स्मृति जी, पहले दूसरे और तीसरे कार्यकाल में, आखिरी सवाल, व्हाट इज द चेंज? कोलिशन गवर्नमेंट तो है आपका, सबको लेके चलना होगा, अप्रोच तो बदलेगा, इसके पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है? कोई नेगेटिव्स नहीं है। पहले कहा जाता था कि मोदी सरकार चलाना नहीं जानते, मोदी ने 5 साल की सरकार चलाई, फिर कहा खान मार्केट गैंग ने कि मोदी दूसरी बार सत्ता में नहीं आ सकता, आए। फिर कहते हैं कि मोदी संगठित सरकार नहीं चला सकते, चलाई। फिर कहा मोदी अब हरियाणा नहीं जीत सकते, जीत गए। तो मोदी हर दिन एक नए अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं और हर दिन पाक साफ उस परीक्षा से निकलते हैं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार कोई नॉन कांग्रेसी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। अगर आज से 10 साल पहले कोई किसी से पूछता ऐसा होगा क्या, होगा नहीं, अरे कहाँ के ख्वाब पालते हो, मोदी ने ख्वाब देखे और ख्वाबों को पूरा किया। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके तेवर वही हैं, क्योंकि आज पहली बार इनसे मिल रहा हूँ इलेक्शन के बाद। ऐसा है जी, आप छुरी से आम काटें या सेब, धार तो वही रहती है।